हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के से पहले डूबा सोने में वाह राम मंदिर अयोध्या चलो देखते हैं वीडियो शो करते हैं वीडियो शो करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं अरे वाह लाइट से देखो तो अंदर से वाह ओहो, ओहो, ओहो मार्बल लग रहा है लाइट्स में मार्बल है क्या जय सिया राम दोस्तों मैं रामावलोग अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका श्री राम मंदिर निर्माण <laughs> के एक और लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण की माह के ग्यारहवें दिन की सबसे उच्च स्तरीय निर्माण वीडियो दिखाऊंगा और साथ में राम मंदिर महत्वपूर्ण अपडेट को भी साझा करूँगा So, दोस्तों अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या के प्रगति के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक तथा मैं आपको चैनल वगैरह सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पाँच जय श्री राम कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं समझूंगा की मेरा वीडियो बनाने का जो मेहनत है वो सफल हो गया दोस्तों अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है तथा मंदिर के भव्य निर्माण को तो आपने देख ही लिया होगा अब यहाँ लग रहे सोने के दरवाजों को भी देख लीजिए मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगाया जा चुका है वहीं अगले तीन दिनों में यहाँ सोने के तेरह और दरवाजों को लगाया जाना है तथा गर्भगृह के मुख्य द्वारों की पूजा हो गई है तो वहीं गर्भगृह के दोनों ओर लगने वाले दरवाजों पर काम जारी है हालांकि मंदिर निर्माण स्थल के पास बनेगा यशाला में इन दरवाजों को देखा जा सकता है दरवाजों पर हाथी कमल दल झरोखे जैसे डिजाइन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं जिसको हैदराबाद की एक सौ साल पुरानी कंपनी अनुर मंदिर के लकड़ी के दरवाजों को तैयार कर रही है मगर खास बात ये है कि ये दरवाजे अयोध्या में अस्थाई वर्कशॉप में बनाकर तैयार किए जा रहे हैं वहीं दरवाजों पर नागर शैली के निर्माण की झलक साफ दिख रही है मंदिर के दरवाजे पर सोने की, ओ, की, सोने वर्क वर्क की वर्क परत चढ़ी होगी दरवाजों की वर्कशॉप में काम कर रहे शेखर दास ने बताया कि दरवाजों की डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि भव्यता की झलक इनमें दिखे साथ ही हिंदू में जो शुभता के प्रतीक माने जाते हैं उन चिन्हों को भी इन दरवाजों पर उकेरा गया है और लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी के लिए तमिलनाडु के कारीगर रात दिन अयोध्या में काम कर रहे हैं दोस्तों भगवान श्री राम को जब हम याद करते हैं तो मुंह से हमेशा जय सिया राम भी निकलता है मगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में आपको श्री राम जी की प्रतिमा तो मिलेगी मगर देवी सीता को आप उनके साथ तो... नहीं देख पाएंगे कृष्ण जी के जैसे लगे राम भक्तों का मन इससे विचलित हो चला है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए अनुरोध भी किया है कि मंदिर में देवी सीता के बिना तो श्री राम अधूरे नजर आएंगे इसलिए श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा भी स्थापित की जाए पर वो तो लेकिन दीव... ऐसा होने के पीछे विशेष वजह बताई गई है दरअसल अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में युवा श्री राम जी हाँ। की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी बल्कि जब श्री राम पाँच वर्ष की आयु के थे तब की प्रतिमा स्थापित श्री राम जी का विवाह देवी सीता ऐसी नहीं हुआ था इसलिए मंदिर की गर्भगृह में श्री राम के साथ देवी सीता नहीं होंगी मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको मंदिर के प्रांगण में कहीं भी सीता माता के दर्शन नहीं होंगे हालांकि राम मंदिर में श्री राम जी की तीन मूर्तियां आई हैं, इनमें से दो मूर्तियां काले पत्थर की है अच्छा। जो कि साउथ के मूर्तिकारों ने बनाई हैं, और एक मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी है इस मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार ने बनाया है इन तीनों ही मूर्तियों को मंदिर के तीनों खंडों में बने मंदिर में लगाया जाएगा मगर गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी इसका निर्णय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी लेंगे इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर होंगे जिसमे श्री राम जी के तीनों भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का मंदिर होगा इतना ही नहीं इस मंदिर में तेरह अन्य मंदिर भी होंगे इनमें भगवान सूर्य भगवान शिव माता सीता गणपति जी जटायु हनुमान जी ऋषि वाल्मीकि वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य शबरी निषाद राज और देवी भी मंदिर हो लेकिन इन मंदिरों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है मगर आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे राम मंदिर के अलावा आपको अयोध्या में जगह जगह राम जी के मंदिर देखने को मिलेंगे जहाँ आपको देवी सीता के दर्शन होंगे इतना ही नहीं अयोध्या में कनक भवन है जिसे सीता जी का महल भी कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की मजली पत्नी देवी कैके ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम की वधु सीता जी को मुह दिखाई में यह महल भेंट किया था अच्छा। और विवाह के बाद श्री राम और सीता जी इसी महल में रहते थे त्रेता युग में इस महल में किसी भी पुरुष का जाना मना था मगर श्री राम और श्री हनुमान जी इस भवन में आ सकते थे इस महल को देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था इस महल के अंदर श्री राम और सीता जी का मंदिर है दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्री राम और देवी सीता की शादी हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी शादी के समय देवी सीता की उम्र 18 वर्ष और श्री राम की उम्र 27 वर्ष की थी hmm. शायद यही वजह है कि राम जन्म भूमि बन रहे रामला मंदिर में श्री राम जी के बालपन की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए है ट्वेंटी सेकेंड जनवरी को छुट्टी स्कूलों में वेरी गुड वेरी गुड और इतना सुंदर है इतना सुंदर है ओहो oh, oh, oh. अच्छा मुझे लगा था भगवान जी की जो तीन होंगी मूर्ति उनमें से एक चूज होगी एक चूज होगी मेन लगने के लिए और बाकी दो को और दूसरी जगहों पे लगाया जाएगा मुझे लगा था बस एक चूज होगी और दूसरी तीन दो का पता नहीं था वो लगा था कि वो मतलब वापस चली जाएंगी या कुछ टाइप से ऐसा कुछ नहीं है लगेंगी तीनों मूर्तियां और उसके बाद मेन हमारा जो टेम्पल है उसके पूरी तरफ आपको दूसरे मंदिर होंगे जिसमें सीता माँ जो है उनका भी होगा सारे उन्होंने बताए हैं बहुत ही सुंदर है और ठीक है यार जब उनका दिखा रहे हैं पांच साल का जो जब थे वो कह रहे हैं उस, उस पे उन्होंने ये मंदिर बनाया है तो फिर उस टाइम आप उस मेन मंदिर के अंदर फिर आ, आ, सीता सीतामा माता को कैसे डाल लगा सकते हो उनको सात वाले मंदिर हाँ तो वो सात वाले मंदिर में होगा और उसमें सारे मेन मेन कह रहे हैं भाइयों का भी उनका भी सबके ऐसे उन्होंने मंदिर बनाए होंगे अभी वो बना नहीं है पर काफी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, भी जो, जो भी है उनको एक ही तो कॉम्प्लेक्स तो हो 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 होंगे अच्छा होगा बहुत ही सुंदर बन रहा है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है इसमें जो मॉडल दिखाया उससे आइडिया हुआ है नहीं तो अभी इतना आइडिया हो नहीं रहा था कि बना क्या क्या बन रहा है अभी ये भी करें और साथ में उसके बाद उसके आगे भी कर दे जैसे आश्रम टाइप बनते हैं ना इतना सुंदर रहने वाला वाली जगह हो जहां पे लोग आके रहना चाहते हो भक्ति करना चाहते हो और सेवा करना चाहते हो उस टाइप की भी इस तरह से ऐसी सुंदर सुंदर बना के वहाँ पे जगहें बनाएं उसमें मतलब शांति वाली जगह हो ग्रीनरी हो नेचर हो उस टाइप की जगहें बनाए मेरे तो बहुत ही देखे दिल खुश हो गया है। एक से एक बढ़कर यार कमाल ही हो गया है दरवाजे इतने सुंदर गोल्ड प्लेटेड हैं दरवाजे हैं एक लग गया है बाकी सब रेडी हो रहे हैं कमाल हो रहा है कमाल ये इस बहुत ही सुंदर बन रहा है तो चलो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊ आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए